नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जून काल में आने वाले 10 दिनों का समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण समय साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके घर खुशियों की लहर दौड़ने वाली है और आपके शत्रु के घर गम की नदियाँ बहने वाली है। यानी कि दोस्तों, अब आपके जून काल में शत्रुओं का विनाश होना तय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इसके उपरांत ही आप सभी के जून काल में खुशियों की बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। परंतु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं, उन बातों को आपको गौर से सुनना होगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जून काल में जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं, जितने भी आपने खुशखबरी पाई है, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद वो खुशखबरी आपके गम में बदल जाती है और दोस्तों आप इन सभी बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर ही देते हैं कि ये हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा था। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर बार किस्मत का लिखा नहीं होता है। कुछ दोस्तों व्यक्ति के कर्म भी होते हैं जिनसे उनके जून काल के सारे शुभ अशुभ में बदल जाते हैं। जी दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि ग्रहों की बदलती चाल में कभी भी शम नहीं होती। दोस्तों, हमेशा ग्रहों की चाल में बदलती बदलाव होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन ग्रहों के साथ अगर व्यक्ति समय के साथ सावधानी को ना रखे तो दोस्तों व्यक्ति के जून काल में आई हुई घड़ी भी चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आपके भी जून काल में पिछले कई समय से ही ऐसा ही देखा जा रहा है कि जब भी आपको खुशी मिलती है, जब भी आपको कोई सफलता मिलती है, तो दोस्तों जाने अनजाने आपको ऐसे कार्य कर देते हैं जिनसे दोस्तों आपके हाथ आई सफलता भी चली जाती है और दुश्मन वश में खुश हो जाते हैं और दोस्तों आप ही पराजित होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि दोस्तों आने वाले 10 दिनों का समय आपके जीवन काल के बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण समय है। यश में आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलेंगी और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी कामयाबी मिलेंगी जिनसे दोस्तों आपको समाज में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन दौलत में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन काल में ईश्वर का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आने वाले 10 दिनों में आपको कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों फिर से आप शत्रु के जाल में ना फंसे और फिर से आप शत्रु के ऊपर अपने जीत का झंडा गाड़ सकें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है, ग्रहों के गोचर पर निमित्त है, जो कि दोस्तों आप सभी के जून काल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके जून काल में आपको जो सफलता मिलनी है अगले 10 दिनों में, दोस्तों वो मिलकर ही रहेंगी और आने वाले समय में आपको शत्रु भी परेशान नहीं करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कर्मों के दाता भगवान शनिदेव आप सभी के जून काल में आपके घर परिवार में हमेशा कृपा दृष्टि रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि दोस्तों इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे, इन्हें जान लेंगे जिससे दोस्तों आप सभी का जीवन काल में 4 चांद लग जाएंगी। तो दोस्तों इन बातों को भी आप गौर से सुनिएगा। भगवान को कौन लोग पसंद हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे श्रम रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद है। हर परिस्थिति में व्यक्ति का श्रम बना रहे ये बड़ी बात है। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा उछले ना। सुख दुख मान और अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, लाभ हानि, ये तो लगा ही रहेगा जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। एक पल कोई जन्म ले रहा है, खुशियां मना रहा है, तो इसी पल कोई किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाए जा रहा है, माहौल गमगीन है, कहीं कोई सुहागन बन रही है तो कहीं किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति को भावनाओं में ना बहे तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से चढ़ी आँखें, गलत मार्ग पर चलने वाले पांव, किसी का हक छीनने का हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये भगवान को सारी चीज़ें नापसंद है। उसको सदमार्ग पर चलने वाले पांव, सेवा व सहयोग करते हुए हाथ,
मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हुआ हृदय, शांत मानसिक, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब बड़ी महंगी और महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने से या खाली पीली कहने सुनने से नहीं आ जाएगा, ये आएगी किसी ज्ञानी ध्यानी के संग रहने से, उनको अपने संग करने से, सद ग्रंथों का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से मानव जन्म मिलना सौभाग्य और सदगुरु मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर संत है तो फिर सदा ही बसंत है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, अगर आप में सच्चाई देखे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि आने वाले 10 दिनों का जो आपका समय होगा, इनमें कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है, शादी दोस्तों कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, दोस्तों इन सभी के बारे में जानेंगे बहुत ही गहरी तरीके से। तो दोस्तों अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आपका अपने व्यक्तित्व और फिर रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना मित्रों और फिर सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा। समाज में भी आपकी छवि और अधिक निखरेगी। दोस्तों जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें, साथ ही धोखा हो सकता है दोस्तों, और आप किसी आर्थिक परेशानी में भी इनसे उलझ जाएंगे। भूमि संबंधी जो भी खरीद फरोख्त करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके विचार ही आपके दुश्मन बने रहेंगे। हर किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक होना आपको अपने ही अंदर नकारात्मकता भी दिखा सकता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किसी भी रिलेशनशिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपको प्रिय व्यक्तियों से दूर कर रहा है। दोस्तों खुद के द्वारा हुई गलतियों की जिम्मेदारी उठाना आपको यह समय सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम आपको लेना चाहिए। परिस्थिति जो है आपके पक्ष में कार्य कर रही है। दोस्तों बच्चों की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना भी इसमें घर में मिल सकता है, जिससे उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। साथ ही दोस्तों किसी अटके हुए काम को पूरा करने में भी इसमें आप सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर लें, बेहतर होगा कि दोस्तों घर के सभी सदस्यों की सलाह आप जरूर ले लें। दोस्तों पैसे के मामले में किसी भी पर भी यश में विश्वास ना रखें, खुद पर ही और फिर सभी गतिविधियों को आप अपने तरीके से संभालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों जितनी परिस्थिति आपके लिए कठिन लग रही है उतनी कठिनाइयाँ आपके जीवन में नहीं है, केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुनोगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में घर के नवीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। किसी सामाजिक गतिविधियों में भी आपका यश में महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान भी यश में बढ़ने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों अगर घर या फिर वाहन संबंधी खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है। इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम या फिर संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें, अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्मचिंतन भी आप इसमें करें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर भी इसमें प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों अपने द्वारा हुए कामों को, जो भी गलत काम थे आपके यश में, उन्हें ठीक करने की आप कोशिश करते रहें। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये जो समय है आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों पेशे का निवेश करना कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों अपने परिवार के लिए किसी प्रकार के मुद्दे पर विचार विमर्श आपका हो सकता है तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वजह से उनकी सराहना होगी। भूमि संबंधी कार्यों में भी अगर निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कई दिनों से चल रही है तो दोस्तों ये जो आपके समय होंगे उस पर तुरंत अमल करें,
परिस्थितियाँ आपके लिए यश में अनुकूल रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों जो है अपने स्वभाव और फिर विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान फोकस करें, इसलिए आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिलने की अपेक्षा रखना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है, इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े। दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के प्रति निष्ठा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए सुनोगे। आपको बता दें कि यश में बिजनेस में लेन देन के जो समय होंगे पक्के बिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों यश में किसी भी तरह की इंक्वायरी की आशंका बन रही है। रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य ज़्यादा सफल रहेंगे। यश में ऑफिस का माहौल जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में कार्य क्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। दोस्तों बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय की स्थितियाँ धीरे धीरे बेहतर होंगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी, परंतु सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। दोस्तों कार्यस्थल पर स्टाफ की गतिविधियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में अपने लक्ष्य की क्वालिटी को अधिक बेहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। यह समय मार्केटिंग और फिर संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये संपर्क सूत्र आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अपने व्यस्तम समय में जो है परिवार के लिए कुछ समय निकालना आपसी संबंधों को मधुर रखेगा तथा परिवार में भी खुशहाली भरा वातावरण रहेगा, तो दोस्तों जरूर समय निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठा कर रखने के लिए आपको सहयोग आवश्यक है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके यश में लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्य आपस में प्रफुल्लित भी तथा खुश रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से आपका जो स्वभाव है उनमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। दोस्तों मेडिटेशन या फिर योगा करना यश में आपके समस्या का उचित निवारण होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों एलर्जी या फिर खांसी जुकाम की स्थिति रहेगी, लापरवाही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, खांसी जुकाम और फिर बुखार जैसी परेशानी भी रह सकती है, लापरवाही ना करें तथा उचित इलाज यह समय जरूर लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत तक ठीक होगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु दोस्तों लापरवाही बरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होंगे और इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे।